बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो गणपति बाप्पा मोरया आप सभी को। इस साल का थीम मेरी माँ ने, पिछले साल मेरी बेटी का जन्म हुआ था गणेश चतुर्थी के दौरान ही, और तो इस साल का थीम मेरी माँ ने नुरवी की वजह से पिंक कलर का थीम रखा है। और सारा ही अगर आप डेकोरेशन घर का देखें तो उन्होंने खुद अपने हाथों से किया है और सारी चीज़ें वो खुद कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं। तो मैं ये पूरे डेकोरेशन का श्रेय जो है मैं अपनी माँ को और मेरे पिताजी को दूंगा। इन एक बार जब डेकोरेशन हो जाता है फिर इन्हें इनका श्रृंगार करना और पूरी सारी थालियों को सजाना सब कुछ मेरे पिताजी खुद करते हैं। सर आप कुछ जानना चाहेंगे इसके बारे में? बस ये हमारे लिए बापा जब भी आते हैं कुछ न कुछ बहुत खूबसूरत अपने साथ लेके आते हैं, अपने आशीर्वादों के साथ। पिछले साल हमारी नुरवी रानी, मेरी पोती, मुकेश ख़ानदान का चिराग मैं कहूँगा, उसका जन्म हुआ था गणेश उत्सव के दरमियान। इस साल 9 सितंबर को 1 वर्ष की होगी। सबको बताना चाहता हूँ कि उसका नाम नुरवी मुझे प्रेरणा मिली लता जी की आरती से। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची। तो वो नुरवी नाम मेरे दिमाग में एकदम बैठा। जब नील के बेटी हुई तो मैंने बोला उसका नाम नुरवी ही होना चाहिए। आप सबको बहुत शुभ आशीर्वाद। और जैसे मैंने कहा कि इस साल मैं बापा से ये प्रार्थना करूँगा कि जैसे मेरे बड़े बेटे को सफलता दी है और आशीर्वाद दिया है, मेरे छोटे बेटे की मेहनत को सफलता दें। वो दिग्दर्शन में, डायरेक्शन में अपने पहले कदम ले रहा है और उसकी फ़िल्म बाईपास रोड 1 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। और नमन को सफलता मिले, उसने इतनी मेहनत की है। ये मैं बापा से प्रार्थना करता हूँ कि उनका हाथ इसके सर पे हमेशा रहे। साहू को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी, मैं बेहद खुश हूँ। बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगी है इस एपिक फिल्म बनाने में। आज ब्लॉकबस्टर का किरदार मिला है फिल्म को और सभी लोग जो हैं बहुत तारीफ़ कर रहे हैं फिल्म की। मैं बेहद खुश हूँ कि इस फिल्म का मैं एक हिस्सा हूँ। मुझे इस लायक समझा कि मैं प्रभास, श्रद्धा सबके साथ इस फिल्म में काम कर सकूँ। थोड़ा ट्विस्टेड रोल था, इंटरेस्टिंग था, मगर करने में बेहद मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। जी, जैसा कि सर ने बोला कि आप 24 सालों से गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। जी, 26 साल। सो इस बार क्या कुछ अलग? इस साल हमारे ट्रेडिशंस के हिसाब से जो हम करते हैं वो हर साल करते ही हैं, थीम्स बदलते हैं। बस इस साल जो है ज़्यादा और लोग आएंगे, खुशियाँ और होंगी और सेलिब्रेशंस और होंगे। तो पूरे साल के जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं हम बापा के साथ हर दिन एक त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, सारे फेस्टिवल्स, रक्षाबंधन हो। तो इस साल मेरी बेटी भी पैदा हुई है तो मैं चाह रहा हूँ कि पहली राखी जो नुरवी अगर बांध दे तो वो बापा को। गणेश चतुर्थी के मौके पर सबसे खास चीज़ आपको क्या है? भोजन। आई थिंक ये पूरे साल में बस यही 10 दिन जो हैं जो थोड़ा कॉन्शियस होके खाते हैं, मगर खाते हैं। बस ये इनकी उपस्थिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। खाना पीना तो सबको शौक़ होता है, इन 10 दिन खूब शौक़ से जश्न मनता है घर में, मगर भक्ति बहुत होती है। हमारे सब के दिल में इनकी भक्ति बहुत है और दिन रात पूजन से ही हमारा पेट भरता है, भोजन से बाद में। आई थिंक इन 10 दिन में जो एकजुट होके सब घर आते हैं, मिलते हैं, वी फाइंड इट वेरी फॉर्चुनेट फॉर आवर सेल्व्स, क्योंकि हमारे लिए ये 11 दिन जैसी एक शादी है जहाँ पे इतने लोग एक साथ आ जाते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वन वेरी नाइस थिंग अबाउट इट। ओह, वेरी एक्साइटेड। इनफैक्ट पिछले साल गणेश चतुर्थी के ही दिन पे हमने अपना मुहूर्त शॉट लिया था। तिथि के हिसाब से एक पूरा साल हमारा हो चुका है और अभी हमारे पहले पोस्टर आ चुके हैं। So all I can say is that his blessings are all that we require, and hopefully it'll all go well. Bas, just be safe, have a blessed Ganesh Chaturthi and enjoy yourselves, eat a lot of modaks. यही कि मेरा शुभ आशीर्वाद आप सब पर रहे और गणेश जी का आशीर्वाद हम सब पर रहे, बना रहे, यूं ही खुशी लाते रहें हमारे घर में, हमारे जीवन में। बस मैं चाहता हूं कि आप हम सभी को आपका प्यार हमेशा देते रहें एंड गणपति बाप्पा मोरया, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द हैप्पीनेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।